हेलो साथियों, पहला आज वर्ड देख रहे हैं वह चैड। चैड मतलब होता है क्या, ना चिढ़ाना, डांटना। तो चैड का जो साइनोनियम जाएगा वह क्या जाएगा, अस्कोल्ड करना, रिव्यू करना। ये सारे क्या हुआ, डांटना। और किसी को हम डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको बोलते हैं चैड। साइनोनियम की बात करें अस्कोल्ड हुआ, रिव्यू हुआ। एंटोनियम की बात करें तो प्रेस, किसी को प्रशंसा करना, कम्प्लीमेंट देना किसी को, यानी किसी को क्या करना, प्रशंसा करने के। स्टेनोरियन, स्टेरियम लॉर्ड, जोर की आवाज़। स्टेंटोनोरियन मतलब लॉर्ड, थंडरस, जोर की आवाज़, उसको बोलते हैं स्टेंटोरियन। एंटोनियम को क्यूट, क्वाइट। अगला है क्लास्प। क्लास्प मतलब होता है ग्रीप, मजबूती से पकड़ना, उसको बोलते हैं क्लास्प। क्लास्प मतलब क्या होता है, मजबूती से पकड़ना, ग्रीप करना, एम्ब्रास करना, उसको मजबूती से पकड़ना। एंटोनियम को लूस, अनक्लैप्स, उसको क्या कहते हैं, मजबूती से पकड़ते नहीं, उसको बोलते हैं किंडल। किंडल मतलब इग्नाइट, जलाना। किंडल मतलब क्या होता है, इग्नाइट, फायर। एंटोनियम की बात करें तो एक्सटिंग्यूश, बुझाना, पुट आउट, उसको बोलते हैं किंडल, पुट आउट, एक्सटिंग्यूश। देखिए इग्नाइट करना मतलब प्रज्वलित करना, मतलब जलाना, स्टार्टिंग करना, तो उसको फिनिश कीजिएगा ना, एंटोनियम हो जाएगा एक्सटिंग्यूश करना, पुट आउट करना। अगला सेल्यूबीरियस। सेल्यूबीरियस मतलब होता है हेल्थफुल। सेल्यूबीरियस, सल्लूस याद किया जाएगा, सलमान खान क्या बहुत हेल्दी हेल्दी मन है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेल्थफुल बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं ना, स्वस्थ, हेल्थीफुल, हेल्थफुल, होलसम, होलसम। एंटोनियम बोल जाएंगे अनहेल्दी, जो स्वस्थ नहीं हो। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है सैड, मोरस, दुखी, विस्मय इत्यादि, उसको बोलते हैं ग्लूमी। सर मर्की, डाउनकास्ट, ये सारे क्या होगा, ग्लूमी का क्या होगा, साइनोनिम जाएगा। एंटोनियम की बात करें रेडिएंट, रेडिएंट मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। मतलब पिलरी, पिलरी मतलब होता है सेंसर करना, कंडेम करना, निंदा करना। पिलरी क्या होता है, सेंसर करना, कंडेम करना, किसी को निंदा करना, उसको बोलते हैं कैसे, पिलरी। तो इसका साइनोनिम क्या जाएगा, सेंसर करना, कंडेम करना। तो एंटोनियम क्या बोल जाएगा, प्रेस करना, कमेंट करना। लम्पून, लम्पून मतलब होता है तो क्रिटिसाइज, किसी को क्या करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज। एंटोनियम की बात करें तो प्लॉड, लम्पून का। डिटेस्ट मतलब करना, हेट करना, डिसलाइक करना, हेट करना, अबोर करना, डिस्पाइस करना, हेट करना, अबोर करना, डिस्पाइस करना। एंटोनियम की बात करें तो लाइक, लव, अडोर, लाइक, लव, अडोर, इसको क्या बोलते हैं, एंटोनियम हो जाएगा। अटेन्यूएट मतलब होता है वीकेंड, वेरी थिन, पतला, वीकेंड, वेरी थिन, उसको बोलते हैं अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का क्या होगा, वीकेंड, वेरी थिन, बहुत पतला। तो एंटोनियम की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ। इंजूरियस होता है जो नुकसानदायक, इंजूरियस है क्या, उसको क्या बोलते हैं, जो नुकसानदायक है, जो हानिकारक, जो हमारे लिए, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो पर्निक्यूस, हार्मफुल, पर्निक्यूस और हार्मफुल हो जाएगा, हार्मफुल, हार्मफुल हो जाएगा। डिट्रीमेंटल होगा, डिलीटेरियस होगा, डिट्रीमेंटल होगा, डिलीटेरियस होगा, हार्मफुल होगा। एंटोनियम क्या होगा, बेनिफिशियल। ओबेसिटी मतलब वेरी फैट, यानी साइनोनियम की बात करें तो कॉर्पुलेंट हुआ, फैट हुआ, स्टॉट हुआ। एंटोनियम की बात करें तो थीन हुआ, पतला हुआ, स्लिम हुआ, एमेसिएटेड हुआ, गॉन्ट हुआ, ये सारे क्या हुआ, इसका साइनोनियम हुआ, स्लिम, एमेसिएटेड, गॉन्ट, थीन। अगला एविसेडेरियन, एविसेडेरियन का क्या होगा साथियों, बिगिनर, नियोफाइट, नोवाइस, उसको बोलते हैं एविसेडेरियन, जो नया नया अभी काम सीखता हो, जो नया नया बंदा हो, उसको बोलते हैं बिगिनर बोलते हैं। नियोफाइट, नोवाइस, लर्नर, न्यूकमर, उसको बोलते हैं एविसेडेरियन। एंटोनियम की बात करें तो एक्सपर्ट हो जाएगा। कॉडल मतलब क्या होता है, कोसेस्ट, लाड़ प्यार देना। कॉडल मतलब क्या होना, किसी को लाड़ प्यार देना। तो उसको साइनोनियम की बात करें तो सेटिस्फाई, पैम्पर करना, उसको लाड़ प्यार देना। एंटोनियम की बात करें तो इग्नोर, नेगलेक्ट करना, या एंटोनियम की बात करें तो इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना। हेडलेस मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह, रेकलेस, नेग्लिजेंट। तो एंटोनियम की बात करें, थाटफुल हुआ, हीडफुल हुआ, केयरफुल हुआ, कॉशियस हुआ, थॉटफुल हुआ, हीडफुल हुआ, केयरफुल हुआ, कॉशियस, उसको क्या बोलते हैं, एंटोनियम। उसका मतलब कि जो चौकन्ना हो, जो क्या सतर्क हो, सावधान हो। केयरलेस, रेकलेस, नेग्लिजेंट, लापरवाह हो, जो क्या सतर्क ना हो। अगला कि नॉक्सेरियस, नॉक्सेरियस मतलब क्या होता है, हार्मफुल, हार्मफुल, परनीसियस, हार्मफुल, डेलीटेरियस, बेनफुल, नोइसम, नोइसम करना, बेनफुल करना, मतलब क्या हो, जो नुकसानदायक हो, हार्मफुल, पेरनिक्यूस, डेलीटेरियस, ये सारे क्या नुकसानदायक बड़े, क्या है नुकसानदायक। एंटोनियम की बात करें तो हार्मलेस हुआ, इनोक्यूस, हानि रहित हुआ,
फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिक, लचीला, तो प्लाइंट। एंटोनिम की बात करें तो स्टिफ। फ्रेजाइल मतलब होता है बीक, ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए, क्षण भंगुर बोल सकते हैं, तो बीक हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रांग मजबूत, टफ। ईगर मतलब कीन, उत्सुक, कीन हो जाएगा, एंथुसियास्टिक हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनईगर, अनइंटरेस्टेड। मतलब बेरेट मतलब स्कोल्ड करना, चाइड करना, रिव्यू करना, अपग्रेड करना, डांटना हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें प्रेस, कंप्लीमेंट करना। कॉर्पुलेंट का बात करें वेरी फैट ओबीसी, वेरी फैट ओबीसी यानी मोटा। कॉर्पुलेंट की बात करें एंटोनिम हो गया थीन, एमेसिएटेड, गॉन्ट, लैंकी। थीन, एमेसिएटेड, गॉन्ट, लैंकी, इसको बोलते हैं एंटोनियम। कंप्लेसेंट हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मैग। एंटोनिम की बात करें तो कंसर्न, हम्बल, डिससेटिस्फाइड, हम्बल, डिस, कंसर्न, हम्बल, डिससेटिस्फाइड, उसको बोलते हैं क्या चाहिए, कंप्लेसेंट, हम कंसर्न हुआ मतलब जो आत्म संतुष्ट नहीं है, हम्बल, डिससेटिस्फाइड जो सेटिस्फाई नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है, हम्बल है, कंसर्न है जो क्या है, आत्मसंतुष्ट नहीं है उसका। स्मग मतलब तो होता है आत्मसंतोष। मतलब पोर्जी, पोर्जी मतलब वेरी फैट, कॉर्पुलेंट, स्टॉट, चब्बी, फैट, ये सारे क्या हो, मोटा का सेंस है। एंटोनियम की बात करें थीन, गॉन्ट, स्लिम, लैंकी, ये सारे पतला का हुआ हुआ। डैंक मतलब होता है डैम, बेट, गिला, डैंक, डैंक मतलब क्या होता है, डैम, बेट, गिला, मोइस्ट। एंटोनियम की बात करें तो ड्राई, एंटोनियम की बात करें तो ड्राई हो जाएगा। डैम मतलब बेट, गीला, बेट, मोइस्टन, बेट हुआ, मोइस्टन हुआ। एंटोनियम की बात करें तो ड्राई हो जाएगा। डैम्पन मतलब होता है बेट मतलब गीला हुआ, बेट, मोइस्ट। एंटोनियम ड्राई। इनकाउंटर मतलब फेस्ड, सामना करना। इनकाउंटर मतलब फेस करना, सामना करना। एंटोनियम की बात करें तो अवॉइडेड, इनकाउंटर मतलब सामना करना, तो एंटोनियम क्या है जो अवॉइडेड, इनकाउंटर सामना करना, तो एंटोनियम अवॉइडेड। लेगेसी मतलब इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति। लेगेसी मतलब इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति। बेक्यूस्ड इनहेरिटेंस, बेक्यूस्ड इनहेरिटेंस। एंटोनियम की बात करें तो डिस्पोसेशन। लेगेसी मतलब इनहेरिटेंस, बेक्यूज, तो एंटोनियम की बात करें तो डिस्पोसेशन, डिस्पोसेशन। जीविनल मतलब चाइल्डिश, यंग, यूथफुल, इमैच्योर, तो एंटोनियम की बात करें तो मैच्योर, अडल्ट, सीनियर, उसको बोलते हैं। मतलब कैलैमी, कैलैमी मतलब तो मोइस्ट, डैम, चिपचिपा। कैलैमी मतलब क्या होता है, मोइस्ट, डैम, चिपचिपा, जो क्या हो, जो भींगा हुआ मतलब मोइस्ट हो, जो गीला हो। एंटोनियम की बात करें जो ड्राई हो, दम सूखा हो। कंप्लिस मतलब होता है अवेटर, पार्टनर इन कंप्लाइन। अगर कंप्लिस मतलब क्या होता है, अवेटर, पार्टनर इन क्राइम, एसोसिएट, जो क्या हो, सह अपराधी हो, जो क्या हो, क्राइम में लिप्त हो। एंटोनियम की बात करें तो ओपोनेंट, जो राइवल हो, जो ओपोनेंट हो, जो इसके खिलाफ हो, जो राइवल हो, विरोधी हो, मतलब जो जो अकम्प्लिस पर्सन, जो क्या हो, जो गलत में साथ नहीं हो, जो क्राइम में जो जो सहयोग नहीं करा, उसको बोलते हैं जो ओपोनेंट है। हम्बग मतलब होता है चीट करना, ड्यूप करना, धोखा देना। हम्बग मतलब चीट करना, ड्यूप करना, धोखा देना, किसी को ट्रिक करना। एंटोनियम की बात करें कैंडियर, आर्टलेस। कैंडियर हुआ, फ्रैंक हुआ, आर्टलेस हुआ, उसमें क्या हो, किसी तरह का धोखा नहीं है, मतलब वो फ्रैंक आदमी है, उसको बोलते हैं हम्बर के एंटोनियम हो जाएगा। अगला है गल्ट। गल्ट मतलब ट्रिक करना, डिसीव करना, किसी को हुडविंग करना। गल्ट मतलब क्या होता है, ट्रिक करना, डिसीव करना, हुडविंग, किसी को धोखा देना, ट्रिक करना, डिसीव करना, हुडविंग करना। एंटोनियम की बात करें तो ऑनेस्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑनेस्ट। अगला स्विंडल। स्विंडल मतलब होता है फ्रॉड, धोखा देना, फ्रॉड करना, डिसीव करना, ट्रिक करना, चेट। स्विंडल गवर्न करना, किसी को क्या करते हैं, हम धोखा देते हैं। एंटोनियम की बात करें तो ऑनेस्ट हो जाएगा। फोई मतलब होता है एनिमी, फोई मतलब क्या होता है, एनिमी, ओपोनेंट। एंटोनियम की बात करें तो एलेव, फ्रेंड। फोई मतलब क्या होता है, साथियों, एनिमी, एनिमी, फोई मतलब एनिमी। तो एंटोनियम की बात करें तो एलेव, फ्रेंड, एलेव, फ्रेंड। टॉरियन मतलब हॉट, ट्रॉपिकल, वेरी हॉट। टॉरियन मतलब क्या होता है, हॉट, ट्रॉपिकल, वेरी हॉट एंड ड्राई, उसको बोलते हैं टॉरियड। हॉट, सल्ट्री, स्वेल्टरिंग मतलब कि क्या होता है, जो बहुत गर्म हो। एंटोनियम की बात करें फ्रीजिंग, फ्रिजिड, फ्रीजिंग, फ्रिजिड, फ्रिज से बना होगा, फ्रिज तो ठंडा रहता होगा, फ्रिज मतलब भी क्या होता है, कूल, ठंडा। शीत मतलब होता है कोट, म्यान, शीत मतलब कोट, म्यान, स्कैबर्ड, म्यान मतलब स्कैबर्ड। अगला प्री पोस्टेरियस मतलब अपसुअर्ड, प्री पोस्टेरियस मतलब होता है अपसुअर्ड, बेतुका, प्री पोस्टेरियस मतलब क्या होता है, अपसूटा, अपसुअर्ड। रेडिकुलस बोल सकते हैं, लुडिक्यूरियस मतलब होता है जो बेतुका हो, बेडंगा हो, तो प्रो प्रोस्पेस्टेरियस मतलब लुडिक्यूरियस, लुडिक्यूरियस।
एंटोनियम और रीजनेबल, एंटोनियम क्या हो रीजनेबल, एडियू मतलब होता है फेयरवेल, एडियू मतलब फेयरवेल, विदाई अलविदाई विदा, एडियू ए डी आई, एडियू मतलब फेयरवेल, विदाई अलविदा, फेयरवेल होगा गुड बाय होगा, लीव डिपार्चर, लीव डिपार्चर, एंटोनियम होगा कमिंग अराइवल का, फेयरवेल गुड बाय लीव डिपार्चर, एडियू मतलब फेयरवेल, डिस्पैरेज मतलब विलीफाई निंदा करना, डिस्पैरेज मतलब विलीफाई, एंटोनियम होगा कम्प्लीमेंट, डिस्पैरेज मतलब क्या होता है विलीफाई कम्प्लीमेंट, फर्टिलिटी मतलब यूजलेसनेस बेकार, यूजलेस यूजलेसनेस, एंटोनियम होगा यूजफुल, फर्टिलिटी, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस बेकार, यूजलेस बेकार, फ्रूटलेस फ्रूटलेस, वेन बर्थलेस वेन बर्थलेस, यूजलेस फ्रूटलेस, एंटोनियम की बात करो प्रोडक्टिविटी, बर्थी यूजफुल, बर्थी मतलब इंपॉर्टेंट होता है याद रखेगा, बर्थी यूजफुल, इफेक्टिव बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब क्या हो जाए हमारे लिए लाभदायक है, जो क्या फ्रूटफुल है, प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल इफेक्टिव यूजफुल वर्थी प्रोडक्टिव। अगला स्टिंग, स्टिंग मतलब होता है स्टेंज बदबू, स्टिंग के स्टियन के स्टिंग मतलब होता है स्टेंज स्मेल फिटर बदबू, स्टिंग मतलब क्या होता है स्टेंज 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 स्मेल फिटर ए फिटियर फिटर मतलब बदबू, फिटर कहे कोई यदि फिटर पूछते हैं तो बोले बदबू है मतलब उसमें गंदा आ रहा है, फिटर स्नेच, एंटोनियम होगा फ्रेगरेंस परफ्यूम, फ्रेगरेंस परफ्यूम। अगला है कि स्टिंगिंग, स्टिंग मतलब फेटेड बदबू, मेलोडोरियस फेटेड, स्टिंग मतलब फेटेड मेलोडोरियस, फेटेड मेलोडोरियस, एंटोनियम की बात करो फ्रैगमेंट एरोमेटिक, फ्रैगमेंट हुआ जो खुशबूदार हुआ एरोमेटिक हुआ, स्टिंग मतलब फेड हुआ मेलोडोरियस हुआ, फेट स्टिंग मतलब फेट मेलोडोरियस बदबू, बदबू मतलब बदबू हुआ फेटेड हुआ मेलोडोरियस हुआ। मतलब पैरी, पैरी मतलब अवॉइड बचना, पैरी मतलब अवॉइड डॉज, पैरी मतलब अवॉइड डॉज मतलब बचना, एंटोनियम होगा कन्फ्रंट एनकाउंटर, कन्फ्रंट करना एनकाउंटर करना सामना करना, अवॉइड मतलब बचना तो कन्फ्रंट एनकाउंटर। स्कर्ट मतलब होता है डॉज डॉज अवॉइड इवेड बचना, स्कर्ट मतलब क्या होता है अवॉइड इवेड बचना, स्कर्ट मतलब क्या होता है अवॉइड इवेड बचना टलना, अवॉइड इवेड इवेड, एंटोनियम होगा कन्फ्रंट एनकाउंटर टैकल, कन्फ्रंट करना एनकाउंटर करना टैकल करना। डीन मतलब लॉर्ड अप्रोवल, डीन मतलब क्या होता है लॉर्ड अप्रोवल, लॉर्ड अप्रोवल, रैकेट रैकेट टमलेट, रैकेट हुआ अप्रोर हुआ डिमलेट हुआ टॉयलेट हुआ, एंटोनियम होगा साइलेंस, एंटोनियम क्या होगा साइलेंस। डीन मतलब क्या होता है लॉर्ड अप्रोवल टमलेट रैकेट, एंटोनियम होगा साइलेंस। स्टॉन्स मतलब होता है लोयल निष्ठावान, स्टॉन्स मतलब क्या होता है लोयल लोयल, स्टॉन्स एस टी ए यू एन सी एच, स्टॉन्स मतलब क्या होता है लोयल निष्ठावान, एंटोनियम होगा डिसलोयल इनफाइडल ट्रेचरस, डिसलोयल इनफाइडल ट्रेचरस, डिसलोयल इनफाइडल ट्रेचरस उसको बोलते हैं स्टॉन्स। स्टेशनरी मतलब स्टैंडिंग, एंटोनियम होगा मूविंग मूवेबल मूवेबल, अला मोवेबल एंड मोरीबंड, मोरी मतलब होता है डेथ डाइंग, मोरीबंड मतलब क्या होता है साथियों डेथ डाइंग जो मृत्यु या मृत्यु के कगार पर हो उसको बोलते हैं मोरीबंड, क्या होता है मोरीबंड जो क्या मृत्यु के कगार पर हो उसको बोलते हैं डेथ बोल सकते हैं डाइंग बोल सकते हैं। एंटोनियम होगा अलाइव। मेटिकुलस मतलब होता है केयरफुल परफेक्शनिस्ट मेथोडिकल ओवर अटेंटिव, यानी मेटिकुलस मतलब ओवर अटेंटिव मेटिकुलस सतर्क अति सतर्क सावधानी परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट मेथोडिकल ओवर अटेंटिव, एंटोनियम होगा केयरलेस हेडलेस। अबडक्ट मतलब किडनैप, किसी को क्या करना अपहरण करना किडनैप करना सीज करना, एंटोनियम होगा रिलीज लेट गो। अगला ऑगमेंट मतलब इंक्रीज बढ़ाना, इंक्रीज एक्सपैंड एनलार्ज करना एनहेंस करना, एंटोनियम होगा डिक्रीज कॉन्ट्रैक्ट डिमनिस, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्ट डिमनिस करना उसको क्या कहते हैं बड़ा घटाना। ऑगमेंटेशन मतलब एक्सीट एक्सीट ऑगमेंटेशन एक्सीट बढ़ाना, एक्यूरेशन एडबल सी आर इंक्रीज करना एनलार्जमेंट करना बढ़ाना, एंटोनियम होगा रिडक्शन सब्सट्रैक्शन। आफ्टर मैथ मतलब होता है रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर मतलब परिणाम बाद में मैथ मैथ का बाद में परिणाम आएगा रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, एंटोनियम होगा बेसिस। डिसिस्ट मतलब होता है किसी को स्टॉप रोकना डिसकंटिन्यू करना, सीज स्टॉप डिसकंटिन्यू एंटोनियम होगा कंटिन्यू। सीथ मतलब टू बी वेरी एंग्री अंदर ही अंदर क्या होना गुस्सा होना उसको बोलते हैं सीथ एस डब्ल्यू टी एच सीथ सीथ। फ्यूम बोल सकते हैं एंग्री बोल सकते हैं फ्यूम एंग्री गुस्सा एंटोनियम काम। ईरी मतलब रैत गुस्सा, ईरी मतलब रैत गुस्सा एंग्री रैत गुस्सा एंग्री सिनोनिम होगा ईरी रैत एंगर गुस्सा फ्यूरी इरिटेशन इरिटेशन एंटोनियम कामलेस सेरेनिटी सैंगफ्रोड कंपोज सैंगफ्रोड मतलब शांत सेरेनिटी कामलेस कंपोजर
ईरीफुल मतलब इरेट, ईरीफुल मतलब क्या होता है, इरेट, एंग्री, गुस्सा, इरिटेशन, इरिटेशन, एंटोनियम, एंटोनियम इरेट, गुस्सा, एंटोनियम हो जाएगा क्या चाहिए, रैथफुल, फ्यूरियस, रैथफुल, फ्यूरियस, रैथ मतलब गुस्सा, क्रोधी, देखिए क्रोधी होगा, लेकिन इरीफुल मतलब इरेट, एंग्री, क्रोधी, क्रोधी, इरेट, एंग्री, एंटोनियम हो जाएगा क्या चाहिए, रैथफुल, फ्यूरियस, गुस्सा, अलग कंपेंसियंस, कंपेंसन मतलब रिमोर्स, पछताना, कंपेंसन मतलब रिमोर्स, रिग्रेट, कंट्रीशन, सीओएनटीआरईटी, कंट्रीशन मतलब पछताना, एंटोनियम होगा एपेथी, लेसिट्यूड मतलब आलस, लेजी, 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 स्टपर, स्टपर, एंटोनियम होगा वीगर, एनर्जी, एंथुसियाज्म, एक्टिविटी, स्लोथ मतलब लेजीनेस, इंडोलेरेंस, स्लोथनेस, इंडोलेरेंस, स्लोथनेस, लेजी, इंडोलेंस, स्लगिस, एंटोनियम एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली, बैडजन मतलब हरास करना, नोई करना, पेस्टर करना, बैडजन मतलब हरास, किसी को तंग करना, पेस्टर करना, नोई करना, एंटोनियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, अपीस करना, किसी को शांत करना, कम्फर्ट करना, बोधर मतलब बेसिस, परेशान करना, बोधर मतलब बेसिस्ट करना, नोई करना, हरास करना, डिस्टर्ब करना, बेसिस्ट करना, उसको बोलते हैं बनोई, बोधर, बोधर मतलब किसी को परेशान करना, बेसिस्ट मतलब हरास करना, बेसिस्ट, एंटोनियम का सिस्ट, एड, और ड्यूटीज मतलब होता है ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, ड्यूटीज मतलब क्या होता है, डी यू टी ई एस, ड्यूटीज मतलब ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, अब आज्ञाकारी, ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, कंप्लेंट, सी एम पी एल एंड पी एल आई एन, कंप्लेंट, सबमिसिव, सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी, ड्यूटीज मतलब राइबल्ड मतलब ऑब्सीन, 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 राइबल्ड मतलब क्या होता है, ऑब्सीन, ड्यूटीज मतलब कंप्लीमेंट, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, सबमिसिव, अब ड्राइवर मतलब ऑप्शन, असली, बॉडी, बॉडी बोलते हैं, ल्यूड बोलते हैं, ऑप्शन, ऑप्शन गंदा, असली, एंटोनियम होगा डिसेंट, क्लीन, इंडिसेंट होता है वल्गर, वल्गर, ऑप्शन, असली, इंडिसेंट मतलब वल्गर, ऑप्शन, वल्गर, ऑप्शन, डर्टी, एंटोनियम होगा डिसेंट, प्योर, आउटलैंडिश मतलब स्ट्रेंज, विचित्र, बिजार, क्यूर, एंटोनियम होगा कॉमन, प्रोविजनल मतलब टेम्पररी अवस्था, एंटोनियम होगा परमानेंट, सोलेमन मतलब सीरियस, सोलेमन सीरियस, ग्रेव, सीरियस, ग्रेव, सोवर, सीरियर, ग्रेव, सोवर, सोलेमन को बोलते हैं सीरियस, सीरियस, ग्रेव, सोवर, एंटोनियम होगा फ्रीवलस, चीयरफुल, फ्रीवलस जो खुशी हो, चीयरफुल, कॉमिकल, फ्री, फ्रीवलस, चीयरफुल, कॉमिकल, मोनोटोनियस मतलब डल, डल, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, रिपीटेटिव, टेडियम, वैपिड, टेडियम, वैपिड, नीरस, अनइंटरेस्टिंग, डल, बोरिंग, एंटोनियम होगा इंटरेस्टिंग, मोनोटोनी मतलब बोर ड्रम, बोर ड्रम, टेडियम, टेडियम, हम ड्रम मतलब हम ड्रम, नीरस, बोरिंग, टेडियम, एंटोनियम में वो एक्साइटमेंट, साइनोसियर मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, कॉटल मतलब शॉर्ट एंड डाउन साइज, छोटा करना, रिड्यूस, एंटोनियम लेंथन, इंक्रीज, एनलार्ज, कंटिन्यू, गार्नर मतलब कलेक्ट, असेंबल, एंटोनियम स्प्रेड, डिस्पर्स, अमास मतलब गैदर टुगेदर, अकोमलेट, इकट्ठा करना, अमास गैदर टुगेदर, अकोमलेट, इकट्ठा करना, गैदर टुगेदर, अकोमलेट, गैदर, एंटोनियम डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स, डिवाइड, चैरी मतलब कॉशियस, वॉचफुल, सावधान, कैरी, सी एच आर, कैरी मतलब कॉशियस, सावधान, वॉचफुल, कैरी, कॉशियस, सर्कमस्टेंस, एंटोनियम केयरलेस, हीडलेस, नेग्लिजेंट, स्विफ्ट मतलब मेटोरिक, मेटो, स्विफ्ट मतलब मेटोरिक तेज, स्विफ्ट क्यूक रैपिड स्पीड, स्विफ्ट मतलब मेटोरिक तेज, स्विफ्ट मतलब मेटोरिक तेज, एंटोनियम होगा स्लो, स्लगिस, ग्रेजुअल, ग्रुप मतलब डेवियस, टेढ़ा मतलब ग्रुप मतलब टेवियस, एंटोनियम मतलब स्ट्रेथ डायरेक्ट, ग्रुप मतलब डेवियस, डेवियस, टेढ़ा मतलब डेवियस, एंटोनियम स्ट्रेथ डायरेक्ट, क्लैंडेस्टाइन मतलब सीक्रेट, सीक्रेट, कोवर्ट, 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 सरप्टियस मतलब हिडन, 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 सीक्रेट, सीक्रेट, कोवर्ट, सरप्टियस, हिडन, सीक्रेट, सीक्रेट, कोवर्ट, सरप्टियस, गुप्त, एंटोनियम होगा ओपन, पब्लिक, फोर्थराइटली, ऑनेस्ट, ओपन, पब्लिक, फोर्थराइटली, ऑनेस्ट, कैंडिड, क्लैंडेस्टाइन सीक्रेटली, 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 एंटोनियम होगा ओपनली, फ्यूरिटी, फ्यूर, फोर्टी मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट, चिप, सरप्टियस, गुप्त, फ्यूरिटी मतलब सीक्रेट, सरप्टियस, सरप्टियस, गुप्त, गुप्त, स्नेकी, स्टेल्थी, स्नेकी, स्टेल्थी, एंटोनियम होगा ओपन, ओपन, टीम, टीम मतलब अवॉर्ड, प्रचुरता, टीम मतलब अवॉर्ड, प्रचुरता, ओवरफ्लो, टीम मतलब अवॉर्ड, प्रचुरता, ओवरफ्लो, 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 एंटोनियम वांट, लैंक, नीड, टीम मतलब बॉन्डिंग, अबॉन्डिंग, अबॉन्डिंग मतलब बहुत याद होना, अबॉन्डिंग, अबॉन्डिंग, कॉपस, कॉपस, कॉपस मतलब बहुत याद मात्रा में होता है, एंटोनियम होगा एम्प्टी, लैकिंग, अबॉन्डेंस, प्लेंटीफुल, एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस, प्लेंटीफुल, एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस, एम्पलनेस, ओपुलेंस, ऑक्सुबरेंस, कॉपस, कॉपसनेस, प्लेंटीफुल, एम्पलेसनेस, ओपुलेंस, एंटोनियम होगा स्कार्सिटी, इनसफिशिएंट, अबॉन्डेंट मतलब प्लेंटीफुल, एम्पल, अबॉन्डिंग, अबॉन्डिंग, प्लेंटीफुल, प्रोपोस, एंटोनियम होगा मिगर, स्कैंटी, 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 स्कॉर्स,
अगला है सल्फेट मतलब एक्सेस, जरूरत से अधिक। सल्फेट मतलब क्या होता है, जरूरत से अधिक। प्लेथोरा, ग्लट, सरप्लस, एंटोनिम होगा लैक, डिफिशेंसी। थ्रॉल मतलब एनस्लेव, स्लेव, दास, गुलामी, बॉन्डेज, स्लेव, एनस्लेवमेंट, एंटोनिम, फ्रीडम, स्लेव मतलब गुलामी। थॉलड्रा मतलब बॉन्डेज दास्ता, थॉलड्रा मतलब बॉन्डेज दास्ता, वॉल्ट्रेन दास्ता। तो ये था।